आजा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, दुख नाशक और सुख कारक ये व्रत बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम अजा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, दुख नाशक और सुख कारक ये व्रत बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये भक्त जनों, आज हम आपको भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी जिसे अजा एकादशी कहते हैं की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में व्रत कथाओं का बड़ा ही महत्व माना जाता है। सभी व्रतों की व्रत कथाएं पृथक पृथक होती हैं। कहते हैं व्रत कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अतः आज हम आप सभी के लिए अजा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप इसे सुनकर श्री हरि की कृपा प्राप्त करेंगे। एकादशी व्रत में विष्णु जी का है ध्यान लगाते, विधि विधान से पूजा पाठ कर आरती भी है गाते, और सुनते हैं व्रत कथा भी अजा एकादशी की। श्री कृष्ण ने कथा युधिष्ठिर को ये सुनाई थी। जब भी कथा कोई पांडव बंधु सुनना चाहते हैं, श्री कृष्ण के पास ही वो सुनने को आते हैं। आज भी फिर से युधिष्ठिर श्री कृष्णा के पास है आए, बोले मुझको अजा एकादशी की कथा सुनाए। तब श्री कृष्णा युधिष्ठिर को ये कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं, दुख नाशक और सुख कारक ये व्रत बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण जी सदैव पांडवों को धर्म और अध्यात्म का मार्ग दिखाते थे और अनेकों ज्ञानवर्धक कथाओं के द्वारा सदैव उचित अनुचित का ज्ञान देते रहते। प्रायः सभी एकादशियों की कथा भी पांडवों ने श्री कृष्ण के श्री मुख से ही सुनी थी। आज फिर से युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आकर उन्हें अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाने का निवेदन करते हैं, तो श्री कृष्णा युधिष्ठिर को इस व्रत कथा को सुनाते हैं। अजा एकादशी व्रत कथा सुनो ध्यान लगा करके, सूर्य वंश में सत्यव्रत नामक एक राजा थे, और उस राजा की पत्नी का सत्यवती है नाम। धर्म परायण थे राजा बड़े करे नेक सबका, सत्यवती के गर्भ से एक फिर पुत्र ने जन्म लिया है। माता पिता ने हरिश्चंद्र ही जिसको नाम दिया है। सत्यव्रत का पुत्र युधिष्ठिर जो ही बड़ा हुआ है, अपने पुत्र को राजपाट का भार भी सौंप दिया है। हरिश्चंद्र में अपने पिता के ही गुण आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, दुख नाशक और सुख कारक ये व्रत बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि
राजकुमार हरिश्चंद्र ने गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में अपने शिक्षा दीक्षा पूरी की। तत्पश्चात उन्होंने अपने पिता का राजपाट भी संभाल लिया। समय आने पर उनका विवाह तारावती नामक राजकन्या से हुआ। राजा हरिश्चंद्र बड़े ही सत्यवादी एवं दानी राजा थे। वो ब्राह्मण एवं जरूरतमंदों को खूब दान दक्षिणा देते थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। यदि किसी को सपने में भी उन्होंने दान देने की बात कह दी तो उसे पूरा करते थे। उनकी सत्यता के चर्चे दूर दूर तक थे। बहुत दिनों तक हरिश्चंद्र को ना संतान हुई। रानी तारावती भी जिससे चिंतित बड़ी हुई। एक दिन गुरु वशिष्ठ सभा में राजा के आए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को बता दिया है उपाय। वरुण देव की करो तपस्या होगी पुत्र की प्राप्ति। राजा रानी वरुण देव की करते हैं फिर भक्ति। वरुण देव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं। पुत्र की प्राप्ति का वरदान भी राजा को दिए हैं। हुआ पुत्र का जन्म तो खुशियाँ सभी मनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। दुख नाशक और सुख कारक ये व्रत बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा कि गुरु वशिष्ठ के बताए हुए उपाय से राजा हरिश्चंद्र के घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने रोहतास रखा। हे युधिष्ठिर, राजा हरिश्चंद्र ने रोहतास के जन्म पर ब्राह्मणों को खूब दान दिया, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र दानी और धर्मात्मा थे, तो उनके चर्चे चारों ओर ही होते थे। यहाँ तक कि एक दिन स्वर्ग लोक में भी ये बात पहुँच गई कि राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी और दानी पूरे पृथ्वी लोक में नहीं है। तब ऋषि विश्वामित्र के मन में आया कि यदि राजा हरिश्चंद्र इतना ही दानी हैं तो अवश्य ही उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। विश्वामित्र ने सोचा क्यों न परीक्षा ली जाए। हरिश्चंद्र कितना है दानी तभी पता लग जाए। विश्वामित्र ने अपना ब्राह्मण भेष बनाया है। हरिश्चंद्र के सपने में आकर के फिर कहा है। तुम तो हो बड़े दानी राजा, मैंने यही सुना है। आज मुझे भी मन वांछित एक दान मांगना है। हरिश्चंद्र ये लगे पूछने, ब्रह्मदेव क्या चाहिए। दे दूंगा मैं वही दान, मैं इच्छा तो बतलाइए। मेरे राज में ब्राह्मण ना कभी खाली जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। दुख नाशक और सुख कारक ये व्रत बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुनते सुनाते वो बड़ा ही पुण्य कमाते। जो कथा को सुनते सुनाते वो बड़ा ही पुण्य कमाते। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्णा ने कहा, हे युधिष्ठिर, विश्वामित्र ने ब्राह्मण वेश में आकर राजा हरिश्चंद्र से उनका राजपाट ही दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने एक क्षण देर किए बिना अपने शीश मुकुट उतार दिए और ब्राह्मण को राजपाट सौंप दिया। किंतु ये तो सपने की बात थी। प्रातःकाल जब राजा हरिश्चंद्र सोकर उठे तो उस सपने के विषय में
सोचकर बड़े ही चिंतित हुए। तब रानी तारावती उनके पास आई और पूछने लगी, रात को निद्रा ठीक से क्या तुम्हें स्वामी नहीं आई, या कोई और बात है जो कि मुझको नहीं बताई, मुझे बताए स्वामी आप क्यों इतने चिंतित हैं, अर्धांगिनी हूँ आपके इसमें शक नहीं किंचित है। कहने लगे हैं राजन मुझे है सपना रात को आया, राजा हरिश्चंद्र ने फिर तो सारा हाल बताया, एक ब्राह्मण ने सपने में आकर राज पाठ लिया मान, और मैंने हंस कर रानी सब कुछ है कर दिया दान, राज पाठ सब दान में ब्राह्मण जो ले जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं, दुख नाशक और सुख कारक ये व्रत बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर रानी कहने लगी, हे महाराज, सपने तो सपने होते हैं, आप सपने की बात को लेकर क्यों चिंतित हो? किंतु राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं नहीं रानी, आज तलक यदि मैं किसी को सपने में भी वचन दे दिया है तो उसे पूरा अवश्य करता हूँ, अतः यदि वो ब्राह्मण आ गया तो मैं राजपाट उसे अवश्य ही सौंप दूंगा। रानी तारावती जानती थी कि महाराज हरिश्चंद्र वचन के पक्के, अतः चिंता उन्हें भी होने लगी। क्योंकि विश्वामित्र ने ये तो रची थी सारी माया, प्रातः काल फिर वही ब्राह्मण राजा के पास है आया, राजा हरिश्चंद्र ने उठकर है उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, सपने में मैंने आपको दान दिया, अपना वचन वही मैं अब तो निभाना चाहता हूँ, राजपाट को आप संभाले मैं चला जाता हूँ, अपने शीश से मुकुट उतार के ब्राह्मण को दिया है, राज सिंहासन भी तो हवाले उनके ही किया है। तारावती और रोहित इतने में आ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं, दुख नाशक और सुख कारक ये व्रत बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने बताया कि हे युधिष्ठिर, ऐसे सत्यवादी और दानी राजा थे हरिश्चंद्र, जिन्होंने सपने में दिए हुए वचन को भी पूरा किया और राजपाट उस ब्राह्मण को सौंप कर प्रस्थान करने लगे, किंतु इतने में ही ब्राह्मण कहता है, हे राजन, आपने मुझे दान तो दे दिया किंतु दक्षिणा नहीं दी, और दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है, अतः आप मुझे दक्षिणा भी देकर जाओ। तो हरिश्चंद्र पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, अब आप बताओ आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? तो उस ब्राह्मण ने दक्षिणा में 60 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। राजा हरिश्चंद्र एक सैनिक से कहने लगे, जाओ ब्राह्मण के लिए 60 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। इतना सुनते ही ब्राह्मण बोला, हे राजन, राजपाट तो आप मुझे पहले ही दान में दे चुके हो, अतः अभी राजकोष पर मेरा अधिकार है, तुम सैनिक को आज्ञा कैसे दे सकते हो? अपनी भूल का राजन को भी
पास हुआ, मन ही मन में उनको बड़ा ही पश्चाताप हुआ। बोले उस ब्राह्मण से अब नहीं कुछ भी हमारे पास, किंतु आपकी दक्षिणा दूंगा इतना करो विश्वास। पर कुछ दिनों की मोहलत इसके लिए मुझे चाहिए, मोहलत देकर ब्रह्मदेव मुझ पर कृपा बरसाइए। बोले ब्राह्मण 30 दिनों का तुमको समय दिया, 30 दिनों में यदि वचन ना तुमने पूरा किया, श्राप भी दे सकते हैं जिससे कोई बच ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुख नाशक और सुख कारक ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुनते सुनाते वो बड़ा ही पुण्य कमाते, जो कथा को सुनते सुनाते वो बड़ा ही पुण्य कमाते। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, जब राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा तो दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 30 दिनों का समय ब्राह्मण से मांग लिया और काशी नगरी में रानी तारावती और रोहतास सहित मेहनत मजदूरी करने लगे और उन्होंने 29 दिनों में ही 60 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि अब जाकर मैं ब्राह्मण को दक्षिणा दे देता हूँ। इस उपदेश से वो नाव में बैठकर गंगा को पार करने लगे, लेकिन तभी बहुत तेजी से हवा के झोंके चलने लगे और उनकी नाव हिचकोले खाने लगी। नाव संभालने में राजा हरिश्चंद्र के हाथों से स्वर्ण मुद्राओं की वो पोटली गंगा में डूब गई। जैसे ही उन्होंने गंगा को पार किया, वही ब्राह्मण आगे खड़े मिले और उनसे दक्षिणा मांगने लगे। सब वृतांत है ब्राह्मण को तो राजा ने बतलाया, किंतु ब्राह्मण बोले तुमने नहीं है वचन निभाया। सुनकर बोले हरिश्चंद्र अभी बाकी 1 दिन है, उसको पूरा करूंगा मैं जो आपको दिया वचन है। काशी नगरी में लगता था दासों का बाजार, खुद को बेचने के लिए राजा हो गए हैं तैयार। पहले बेचा रानी को और फिर बेचा रोहतास, खुद को बेचकर 60 स्वर्ण मुद्राएं हो गई पास। लड़का राजा रानी तीनों ही बिक जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुख नाशक और सुख कारक ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुनते सुनाते वो बड़ा ही पुण्य कमाते, जो कथा को सुनते सुनाते वो बड़ा ही पुण्य कमाते। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार रानी तारावती और रोहतास को एक ब्राह्मण ने 40 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद लिया और राजा हरिश्चंद्र को कालिया नाम के एक चंडाल ने 20 स्वर्ण मुद्राएं में खरीद लिया। कालिया शमशान भूमि में चिता जलाने का काम करता था और चिता जलने वालों से कर वसूली करके अपना घर चलाता था। क्योंकि अब राजा हरिश्चंद्र उसका नौकर था, तो चिता जलाने का काम उसने राजा हरिश्चंद्र को सौंप दिया और रानी तारावती व रोहतास ब्राह्मण के घर नौकरी करने लगे। रोहतास घर के छोटे मोटे काम करता और पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाता, वहीं रानी तारावती घर के बर्तन मांजती व झाड़ू पोछा करती थी। राजा हरिश्चंद्र कलिया के घर काम अवश्य करते थे, किंतु उन्होंने कभी कलिया के घर भोजन नहीं किया, जिस कारण उसकी काया अत्यंत ही दुर्बल हो गई थी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गंगा से घड़े में पानी लाने गए तो दुर्बल होने के कारण
छड़ा नहीं उठा पाए। उन्होंने देखा कि उसी समय रानी तारावती भी उसी नदी में पानी भरने के लिए आ गई। राजा ने रानी तारावती से घड़ा उठवाने के लिए सहायता मांगी, किंतु रानी तारावती कहने लगी, हे स्वामी, मैं ब्राह्मण के घर नौकरी करती हूँ और आप चांडाल के घर। यदि मैं घड़े को हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण पूजा पाठी है और आप चिता जलाने का काम करते हैं। आप पानी के भीतर जाकर घड़ा उठा लो। हरिश्चंद्र ने वैसा ही किया। ऐसी समय की मार पड़ी है जो कभी राजा था, कलिया का नौकर बनकर वो चिता जलाता था। और जो रानी तारावती थी जिसकी कई दासियां, ब्राह्मण घर नौकरानी बनकर सारा काम किया। एक दिन फिर रोहतास से ये कहा उसकी माता ने, पूजा के लिए फूल तोड़ कर तुमको है लाने। फूल तोड़ने जब रोहतास है उपवन में आया, एक जहरीले नाग ने उसको फिर तो काट खाया। प्राण पखेरू तब रोहतास के उड़ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुख नाशक और सुखकारक ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, श्री कृष्ण ने बताया कि रोहतास की सर्प दंश के कारण मृत्यु हो गई। उधर रानी तारावती प्रतीक्षा कर रही थी कि रोहतास अब तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो रानी तारावती स्वयं देखने के लिए आई और आकर देखा कि उसका पुत्र रोहतास मृत पड़ा हुआ है और उसकी सारी काया नीली हो गई है। उसे समझते देर ना लगी कि इसे किसी जहरीले नाग ने काट लिया है। रोहतास को मृत अवस्था में देखकर रानी जोर जोर से रोने लगी। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी वहां आ गए और तारावती को समझाया कि होनी को कौन टाल सकता है, अपने आप को संभालो और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करो। रानी तारावती का दुख नहीं देखा जाता है, मृत पुत्र है हाथों में और जीवित माता है। रोते रोते तारावती चल दी शमशान की ओर, काली रात है अंधेरी छाई घटा बड़ी घनघोर। अपने पुत्र की खुद हाथों से लगी जो चिता बनाने, आकर उसको रोक दिया है हरिश्चंद्र राजा ने। कहने लगा तुम जो भी हो पर बाद में चिता बनाना, कर लगता है इस शमशान में पड़ेगा तुमको चुकाना। जो करते संस्कार में सब करते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुख नाशक और सुखकारक ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुनते सुनाते वो बड़ा ही पुण्य कमाते, जो कथा को सुनते सुनाते वो बड़ा ही पुण्य कमाते। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने बताया कि हे युधिष्ठिर, यद्यपि राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी तारावती और अपने पुत्र रोहतास को पहचान गए थे, किंतु उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और रानी से कहने लगे कि अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने से पहले तुम्हें कर चुकाना ही होगा। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर रोते रोते रानी तारावती कहने लगी, हे स्वामी, कुछ तो दया करो, ये हमारा पुत्र रोहतास है और तुम्हें कर लेने की
पड़ी है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, किसका पुत्र, कौन रोहतास? मैं सिर्फ कलिया का नौकर हूँ। याद करो उस दिन जब मैं गंगा में घड़ा उठाने के लिए तुमसे सहायता मांग रहा था, तो तुमने चांडाल का नौकर बोलकर घड़े को हाथ भी नहीं लगाया था। मैं अपने मालिक से गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? पहले शमशान भूमि का कर दो और बाद में अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना। हरिश्चंद्र ने मानी नहीं है तारावती की विनती, सत्यवादी राजाओं तभी तो होती है गिनती। विश्वामित्र ने सोचा अब तो अति हो चुकी है, पुत्र की मृत्यु पर भी कर्तव्य अपना भूला नहीं है। विश्वामित्र तत्काल सामने उनके आए हैं, बोले राजन तुमसे हम तो जीत नहीं पाए हैं। भूल हुई है जिसका मुझको पश्चाताप बड़ा है, देखो पुत्र रोहतास तुम्हारा जीवित ही खड़ा है। राजपाट भी हरिश्चंद्र का वो लौटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, दुख नाशक और सुख कारक ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जब विश्वामित्र ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र अपने मृत पुत्र को देखकर भी अपने धर्म से नहीं डिगा, तो इसके समान सत्यवादी कोई हो ही नहीं सकता। तब विश्वामित्र उनके सामने आ गए, रोहतास को भी जीवित कर दिया और उनका राजपाट लौटा दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गुरु वशिष्ठ से पूछने लगे, हे गुरुवर, विश्वामित्र जी की परीक्षा में तो मैं सफल रहा, किंतु कलिया का नौकर रहते हुए चिता जलाने और अंतिम संस्कार करने वालों से कर वसूलने के कारण जो मुझे पाप लगा है उससे मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया कि हे राजन, एकमात्र अजा एकादशी व्रत ही तुम्हें इन पापों से मुक्त कर सकता है। तब गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक अजा एकादशी व्रत किया और श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर उन्हें सब पापों से मुक्त कर दिया तथा उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। ऐसा कल्याणकारी है अजा एकादशी व्रत कथा। सुनकर कथा युधिष्ठिर ने तो प्रकटाभार किया है, अजा एकादश की तो भक्तों पावन यही कथा है। करते हैं जो व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए, विष्णु जी की कृपा बड़ी हो उनका ध्यान लगाइए। हंसराज भी हरि चरणों में करता है वंदन, पाल तो श्रद्धा भाव से कथा किया वर्णन। फौजी सुरेश विस्मिर शारदा लिखता सभी कथाएं, जो सुनते हैं उनके मन में भक्ति भाव जगाए। सुनने वाले भक्त हौसला और बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, दुख नाशक और सुख कारक ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुनते सुनाते वो बड़ा ही पुण्य कमाते, जो कथा को सुनते सुनाते वो बड़ा ही पुण्य कमाते। हम अजा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।